Yeah. Oh, please. पता सुबह से आपने कितनी कॉल्स अटेंड की इस पे हेल्पलाइन पे? लगभग 60 सर. बाय गॉड सर, आज उनका रिकॉर्ड है ना सर का, सर अभी इस पे नहीं रजिस्टर. इस कंट्रोल रूम से हमें पूरे कश्मीर डिवीजन में क्या हो रहा है, एक एक मिनट मतलब पेशेंट निकला नहीं स्किम्स के लिए हमें पता होता है. नहीं है ना, पता क्यों? 28,000 केसेस है ना जो यहाँ सिचुएशन है लोगों में, यह फैलाया जा रहा है. ना 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 ना, ये 27,000 के 27,000 H1N1 है. इसका मतलब वहाँ की हवा भी पोल्यूटेड. जब मैं अंदर गया ना, सबने ट्रिपल लेयर मास्क, वो N95 मैंने कोई नहीं लगाया. दिस H1N1 रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है. जब से ये शुरू हुआ है, 20th से शुरू हुआ है, तो बहुत अच्छा, डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग. तो लोग हमें मेनली जो पैनिक लोगों में हो गया था, इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है. क्योंकि लोगों में जो भी कोई मामूली सिम्टम वो आ गया है, जो भी मामूली सिम्टम इसका देखते हैं, जैसे जुकाम या फीवर, तो एकदम से हमें फ़ोन करते हैं. तो हम उन्हें सही डायरेक्शन दिखाते हैं, व्हाट दे शुड डू, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. जो वो पैनिक की वो लहर फैल गई थी, लेकिन इसके हेल्पलाइन से काफी हद तक वो कंट्रोल में आ गई है. अवेयरनेस हर एक जगह चल रहा है, चाहे वो हमारा ये हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हो, चाहे वो पैम्फलेट से हो, पोस्टर से हो, रेडियो से हो, टीवी से हो, आपके माध्यम से हो, या इसके बगैर हमारे पास जो है पफलेट्स है जो हम लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स के बाहर सामने भी, बाहर भी हमने डिपिक्ट किया हुआ है कि ये इसके सिम्टम्स क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या है, और उसके बाद डूज एंड डोंट्स क्या है. और ये जो हेल्पलाइन है, इसके नंबर हमने सबको डिपिक्ट किए हैं, जो वर्किंग होती है सुबह 8 से शाम 8 तक, और उसके बाद भी हमने कुछ नंबर्स दिए हैं कि जो अवेलेबल है ज्यूरिंग नाइट टाइम. Çok basan zukağımda kesin.